गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सारे प्रश्नों का जवाब देने वाला हूँ। काउंसलिंग कैसे होता है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है आपको, और जिनके एडमिट कार्ड पर कक्ष निरीक्षक का सिग्नेचर नहीं हुआ है वे क्या करें, और कितने रैंक पर कौन सा ब्रांच मिलेगा, इन सारे प्रश्नों का जवाब देने वाला हूँ। क्योंकि डियर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ने व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज और फ़ोन कॉल्स करके पूछा है कि सर काउंसलिंग कैसे कराएं जिससे हमको मनचाहा ब्रांच मिल जाए, और चॉइस फिलिंग हमको कैसे करना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट का यह भी क्वेरी है कि सर हमारे एडमिट कार्ड पर कक्ष निरीक्षक यानी एग्जामिनर का साइन नहीं है तो क्या करें। तो डियर स्टूडेंट, इन चारों प्रश्नों का सॉल्यूशन में बिल्कुल शानदार तरीके से देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। 4 से 5 मिनट का टाइम निकाल करके ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको काउंसलिंग के दौरान या चॉइस फिलिंग के दौरान किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। होता क्या है, स्टूडेंट ऐसे ही चले जाते हैं, जो मन में आए वही ब्रांच फिल करके चले जाते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है डियर स्टूडेंट। चॉइस फिलिंग बिल्कुल ध्यान से और दिमाग से करना है, जिससे आपको मनचाहा ब्रांच मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं डियर स्टूडेंट, चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट बात करते हैं काउंसलिंग कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट, काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से बनवा लेना है, जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, TC, मार्कशीट, यदि आपका 1-2 साल का गैप है तो गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। सारी चीज़ें, जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बता रखा है, वे सारे डॉक्यूमेंट आप अच्छी तरीके से बनवा लीजिए। उसके बाद से आपका एडमिट कार्ड होगा, उसके बाद से आपका डियर स्टूडेंट जो भी आपका काउंसलिंग फीस है वो आपका फीस लगेगा। तो इस तरीके से टोटल डॉक्यूमेंट, रिजल्ट और एडमिट कार्ड के साथ आपको काउंसलिंग फीस लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले आपका सारे डॉक्यूमेंट का अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन होगा, यानी कि टोटल डॉक्यूमेंट का अच्छी तरीके से जांच होगी कि सारे डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल सही है, कोई डॉक्यूमेंट फर्जी तो नहीं है। यानी कि सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट के आपका अच्छी तरीके से जांच होगी। ध्यान में रखिएगा, टोटल डॉक्यूमेंट के कम से कम 4 से 5 कॉपी भी करवा लीजिएगा, यानी कि जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उनके 4 से 5 फोटोकॉपी करवा के रख लीजिएगा। क्योंकि काउंसलिंग के बाद भी आपसे स्कॉलरशिप के टाइम, अन्य चीज़ों पर यह सारी चीज़ें मांगी जाती हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद से डियर स्टूडेंट आपको कंप्यूटर पर यानी कि सिस्टम पर बैठाया जाता है चॉइस फिलिंग के लिए। अब डियर स्टूडेंट, आपके रैंक के अनुसार सिस्टम पर शो करेगा कि आपको यह ब्रांच मिल सकता है। ध्यान में रखिएगा, चॉइस फिलिंग का कैसे चलता है कि आपके रैंक के अनुसार सिस्टम पर दिखाएगा कि हाँ डियर, आपको यह ब्रांच मिल सकता है, और जितने भी आपके रैंक के अनुसार जितने भी ब्रांच कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, टोटल का वो सीट भी बताएंगे कि कितने सीटें अभी बची हैं। तो उन सीटों में आप अच्छी तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ, कोई एक लड़का मान लीजिए मोहन है, कोई एक लड़का मान लीजिए मोहन है, मोहन को मैकेनिकल के किसी भी सब ब्रांच से उसको IIT कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मोहन करेगा क्या डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मोहन भर देगा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग,
फिर भर देगा आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, फिर आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग, फिर आपका रेफ्रिजरेशन से एयर कंडीशनिंग, फिर टूल इंजीनियरिंग, फिर ट्यूबवेल इंजीनियरिंग। यानी कि मोहन को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी सब ब्रांच से IERT कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन मैकेनिकल में सबसे पहले नंबर पर उसको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग चाहिए। यदि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग नहीं मिलता है तो ऑटोमोबाइल चाहिए, और ऑटोमोबाइल भी नहीं मिलता है तो पावर प्लांट चाहिए, और पावर प्लांट भी नहीं मिलता है तो रेफ्रिजरेशन से एयर कंडीशनिंग चाहिए, और वो भी नहीं मिलता है तो टूल इंजीनियरिंग, और टूल इंजीनियरिंग भी नहीं मिलता है तो ट्यूबवेल इंजीनियरिंग। इस तरीके से यह मैकेनिकल के 6 सब ब्रांच हैं। जिस भी स्टूडेंट को मैकेनिकल डिपार्टमेंट से IERT कॉलेज में एडमिशन लेना है, इन 6 सब ब्रांच को अच्छी तरीके से समराइज करके लिख सकता है, फिलिंग कर सकता है। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट, जब आप मार्केट में जाते हो तो आपके मम्मी पापा यह सलाह देते हैं कि बेटा सेव लेकर चले जाना। यदि आपको सेब अच्छे भाव से या अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है तो आम ले लेना, यदि आम भी आपको अच्छी तरीके से अच्छे रेट से नहीं मिलता है तो केला ले लेना, और केला भी यदि आपको अच्छी तरीके से और अच्छे रेट से नहीं मिलता है तो नाशपाती ले लेना। यानी कि आपको प्रिफरेंस दिया जाता है कि पहले नंबर पर बाबू आपको ये लेना है, अगर ए नहीं मिलता है तो दूसरे नंबर पर ए ले लेना, अगर दूसरे नंबर पर ए भी नहीं मिलता है तो तीसरे नंबर पर ए, फिर चौथे नंबर पर ए। तो इसी प्रकार से आपको चॉइस फिलिंग करना है, यानी कि सबसे पहला ब्रांच जो आपको चाहिए उसको पहले नंबर पर रखिएगा, यदि पहला ब्रांच नहीं मिलता है तो दूसरे नंबर पर जो आपको चाहिए दूसरे नंबर पर रखिएगा, यदि दूसरा भी नहीं मिलता है तो तीसरे नंबर पर जो आपको ब्रांच चाहिए तीसरे पर रखिएगा, फिर तीसरा भी नहीं मिलता है तो चौथे पर। इस तरीके से आपको भर देना है। इस प्रकार से मोहन का मैंने एग्जांपल बता दिया। यदि मोहन मैकेनिकल के अलावा सिविल में भी जाना चाहता है तो यहाँ से डियर स्टूडेंट वह सिविल से भी इस तरीके से ब्रांच फिलअप कर सकता है चॉइस फिलिंग के दौरान। सबसे पहले वो तो 6 कर दिया मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, अब वो सिविल में घुसेगा तो सिविल में सिविल इंजीनियरिंग कर दिया, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कर दिया, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर दिया, फिर प्लास्टिक टेक्नोलॉजी कर दिया। यानी कि पहले आपको अपनी चॉइस के अनुसार फिलिंग करना है, फिर उसके बाद से जो भी सब ब्रांच बचते हैं सारे ब्रांच को आप फिल करके चले आइएगा, कोई ना कोई ब्रांच आपको 100% मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है डियर स्टूडेंट, जिनके एडमिट कार्ड पर कक्ष निरीक्षक का सिग्नेचर नहीं हुआ है वे क्या करें। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपके एडमिट कार्ड पर कक्ष निरीक्षक का सिग्नेचर नहीं हुआ है तो जो आपने एग्ज़ाम दिया था आंसर की का एक आपका सेकंड कॉपी आपके पास होगा, यानी आंसर की का आपके पास कार्बन कॉपी होगा, उस पर आपके कक्ष निरीक्षक का सिग्नेचर होगा। तो यदि आपके एडमिट कार्ड पर कक्ष निरीक्षक का साइन और मोहन नहीं है तो आप आंसर की के सेकंड कॉपी को भी साथ में लेकर चले जाइएगा, जिससे आप प्रूफ दिखा सके कि हाँ सर, कक्ष निरीक्षक के सिग्नेचर हमारे एडमिट कार्ड पर गलती से नहीं हुआ है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, यदि एडमिट कार्ड पर कक्ष निरीक्षक का सिग्नेचर और मोहन नहीं हुआ है तो आप आंसर की सेकेंड कॉपी लेकर चले जाइएगा, उसमें आपको कक्ष निरीक्षक के सिग्नेचर और मोहर शायद दोनों देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है कितने रैंक पर कौन सा ब्रांच मिल सकता है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने बता रखा है, फिर भी डियर स्टूडेंट मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर डियर स्टूडेंट, यदि किसी भी स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए तो ऐसे कंडीशन में उसका जो जनरल रैंक होना चाहिए 1 से 100 के बीच होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के मैक्सिमम जो सीटें हैं वो आपका 60 से 70 सीटें हैं। यदि आपको सिविल चाहिए तो यहाँ पर आपको 100 से लेकर के आपको 300 रैंक के बीच होना चाहिए। यदि आपको मैकेनिकल चाहिए तो ये मान के चलिए 300 से 700 के बीच होना चाहिए। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक चाहिए तो 700 से 1000। तो इस तरीके से प्रेफरेंस रखा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा।
यदि किसी भी स्टूडेंट का रैंक 100 के अंदर या 120-30 तक है तो इलेक्ट्रिकल मिलने की चांस है। सिविल यदि लेना चाहता है तो उसका रैंक 1 से 250 या 300 के पास होना चाहिए। यदि मैकेनिकल चाहिए तो उसको 300 से 700 के अराउंड होना चाहिए, तो मैकेनिकल के किसी भी सब ब्रांच में उसका एडमिशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपको फिर भी कहीं से भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो हमारे कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप नंबर 7620-17-53-76 पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।